ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यूपी पुलिस के जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जात निवास, और जात निवास 1 अप्रैल 2023 का होना चाहिए, आधार आधार पेन और फोटो सिग्नेचर। ठीक है, ये जरूरी है। अब इसको भरा कैसे जाएगा? सबसे पहली चीज कि फोटो सिग्नेचर कंप्यूटर से, मतलब इसमें से या स्कैन करके कैसे लाएंगे कंप्यूटर में, सबसे पहला चीज ना जो नहीं जानते हैं लोग। आधार पेन का क्या अपलोड करना है कि नंबर डालना है, ये आगे हम लोग देखेंगे। अगर अपलोड करना होगा तो कैसे करेंगे, चलिए अब देखिए। सबसे पहला काम, आपको सबसे बढ़िया वेबसाइट कौन सी है? सरकारी रिजल्ट है ना, तो आ जाते हैं हम लोग सरकारी रिजल्ट पे। संदीप कहाँ हो भाई? बंदे का ठीक, तो यहाँ पर हम कर देंगे सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। ठीक है, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। अब ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा यूपीपी कांस्टेबल 2023 भर्ती। ठीक है, ऑनलाइन क्लिक करिए। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझते चलिए। सबसे पहले चीज है कि इम्पोर्टेंट डेट, इसका डेट क्या है? बहुत लोग पूछेंगे लास्ट डेट कितना है, तो आप 18 नहीं बताना, आपको क्या बताना है? 16 बताना है। 16 क्योंकि लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन करने का 16 ही है, और पेमेंट करने करेक्शन करने तक का 18 तक है। तो 18 से मतलब नहीं, हमको 16 से मतलब है। 16 इसका लास्ट डेट है, 16 जनवरी तक। फीस कितना लगेगा? 400 रुपया। किसी भी कैटेगरी का कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी के लिए कितना लगेगा? 400 रुपया। उम्र की बात कर लेते हैं, तो एज जो काउंट किया जाएगा वो 1/7/1 जुलाई 2023 से काउंट किया जाएगा। ठीक है, और उस दिन से अगर हम जोड़ते हैं तो 18 वर्ष पूरा होना चाहिए और 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए मेल के लिए। अगर कोई फीमेल इसको अप्लाई कर रही है तो उनके लिए 28 वर्ष का 3 वर्ष बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही साथ, बीच में मत बोलिए, साथ ही साथ इसमें जो है एज रिलेक्शन भी मिलता है, मतलब एज में छूट मिलता है। किसके किसके लिए? ओबीसी, ओबीसी के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है। यानी 25 और 5 30, 30 वर्ष के हैं मेल तो भर सकते हैं, और 5 वर्ष इस पे अगर अप्लाई करते हैं तो 32 वर्ष का कोई अगर महिला है, 32 33 वर्ष का तो भर सकता है, ओबीसी और एससी एसटी की महिलाओं के लिए। आई बात समझ में? चलिए, एज समझ में आ गया। अब ये नहीं कि 25 वर्ष का है, 26 वर्ष का होगा तो नहीं भर पाएंगे, नहीं भर सकते हैं। उनका एज रिलेक्शन में यस करना पड़ेगा, फार्म में पूछेगा एज रिलेक्शन चाहिए तो यस कर देंगे, तो 5 वर्ष की वैलिडिटी बढ़ जाएगी उनका। पोस्ट समझ लीजिए, पोस्ट क्या है, ठीक समझ में आ रहा है, और पास होना चाहिए, अपेयरिंग पे नहीं चलेगा, 10+2, और किसी भी बोर्ड से पास रहना चाहिए, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई से हो, बिहार से हो, झारखंड बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से पास रहना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा है खाली कि यूपी बोर्ड से होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से आप जब हाई स्कूल बस इंटर बस पास है तो भर सकते हैं। यहाँ देखिए कैटेगरी वाइज पोस्ट दिया हुआ है, जनरल का इतना है, ओबीसी का इतना है। ईडब्ल्यूएस अल्पसंख्यक में क्या होते हैं, जनरल के अंदर ही 10% लोगों को काट करके ईडब्ल्यूएस कर दिया गया, यानी जो जनरल कैटेगरी के, जैसे मान लीजिए सिंह है, पंडित लोग हैं, उनमें जो उनकी स्थिति एकदम खराब है, मतलब एकदम आय उनका कम है, तो उनमें 10% काट करके ईडब्ल्यूएस में रख दिया गया। अब ये ईडब्ल्यूएस कैसे पहचान में होंगे? जनरल के जो लोग होंगे वो फार्म भरवाने आएंगे तो उन लोगों से आय मांगा जाएगा। ठीक है, जात नहीं मांगा जाएगा, क्या मांगा जाएगा? आय, क्योंकि जात बनती ही नहीं जनरल की, तो आय मांगा जाएगा। उसमें ये 24,624 पोस्ट उन लोगों के लिए रिजर्व है जिनकी 2 लाख 3 लाख, 2 लाख से नीचे आय है, आय होता है उन लोगों, हम लोग 36,000 बनता है, 42,000 बनता है, आय बनाते हैं तो हम लोग वार्षिक, उन लोगों का 2 लाख तक का लिमिट दिया है। 2 लाख से नीचे अगर है तो यहाँ पर ये फार्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर इससे ज्यादा है तो फिर जनरल में भरेंगे वो लोग, बाकी हम लोग के लिए है ये सीट जनरल एस सी एस टी के लिए। यहाँ पर देख लीजिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो समझ लीजिए। हाइट 168 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर में आप नपा सकते हैं, मेल के लिए दिया है, जनरल ओबीसी और एससी के कैंडिडेट के लिए। अगर एसटी का कोई हो, एसटी का मतलब खरवार गोंड जो आते हैं लोग, वो एसटी में आते हैं तो 160 सेंटीमीटर अगर है तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब महिला अगर है जनरल ओबीसी और एससी की तो 152 सेंटीमीटर, और एसटी की अगर कोई है जैसे गोंड हो गया, खरवार हो गया, तो बहुत सारी जातियां इसमें आती हैं, तो वो 147 सेंटीमीटर पे ही भर सकते हैं लोग। ठीक ना, चेस्ट, चेस्ट जो सीना नापते हैं लोग, तो इसमें जो है यहाँ पे मेल फीमेल के लिए, फीमेल के लिए तो कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, मेल के लिए दिया हुआ है यहाँ से 89 से 89 कहेंगे ना, हो 89 से 84, यानी 79 79 सॉरी 79 नॉर्मल है, मतलब बिना फुलाए हुए जैसे अगर नापना है तो 89 होगा, और उसके बाद 84 से फुलाया जाता है। ठीक है, सांस भर भर के
तो इतना होना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर एसटी का कोई है तो देख लीजिए, एलिजिबिलिटी बहुत कम है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर कम कर दिया गया है। रनिंग देख लीजिए, दौड़ना कितना है, ठीक है, लगभग 5 किलोमीटर 25 मिनट में, ये मेल के लिए दिया हुआ है। फीमेल के लिए दिया है 24, मतलब 2.4, 2.5 किलोमीटर 24 मिनट में, सॉरी 14 मिनट में, ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी ये स्टेप बाय स्टेप बताया कि फॉर्म कैसे भरना है, और विधिवत जानकारी के लिए आपको यहाँ पर एक मिल जाता है नोटिफिकेशन, आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें हर एक चीज अच्छे से मिल जाएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा विस्तार से इसमें मिल जाएगा हर एक चीज, जो अभी शॉर्ट में बताए हैं विस्तार से मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा इसका। देखिए इसको हम डाउनलोड ही कर दे रहे हैं। तो कोई भी भर्ती आई उसको भरने से पहले आपको क्या करना है, उसका पूरा डिटेल समझना है कि क्या मांग रहा है, कितना मांग रहा है, ठीक है। ये सब कुछ हो जाने के बाद नोटिफिकेशन उसका डाउनलोड कर लीजिए। देखिए वही चीज़ यहाँ भी दिया हुआ है, आवेदन कब से कब तक करना है, वहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, सब कुछ दिया है, ठीक है। इसको भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में पूरा दिया है। अब आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हम कैसे लेके आएंगे, ये जो डॉक्यूमेंट्स हम अभी बताए हैं वो डॉक्यूमेंट कैसे लेके आएंगे। तो अभी मान लीजिए हमारे पास फोटो और सिग्नेचर है, ठीक है, तो फोटो सिग्नेचर यहाँ पर है एक तरह से। फोटो कोई है जी आपके पास, फोटो तो उसमें है, फोटो इसमें है कि नहीं है, नया खिंचवाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये देखिए इसको आप ऐसे रख लेंगे, ठीक है, प्रिंटर को ऐसे ओपन करेंगे और ओपन करके इसे डाल देंगे। बस ध्यान रखेंगे कि सिग्नेचर यहाँ किया है और फोटो यहाँ है, तो थोड़ा दूरी बने रहे ताकि इसी पे चढ़ ना जाए, ठीक है। हम स्कैन करेंगे तो ये आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप देखिए, पहले इसको रख लेंगे, प्रिंटर ऑन होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद स्कैन करने के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, लेकिन हम फोटोशॉप को चूज करेंगे, फोटोशॉप बढ़िया है, अच्छे से हो जाता है और क्रॉप भी कर लेते हैं उसी में। फोटोशॉप पे एक बार क्लिक करेंगे, फोटो ये प्रिंटर ऑन होना चाहिए तभी ये इसमें से कनेक्ट होगा, नहीं तो नहीं कनेक्ट होगा। फोटोशॉप भी लगभग लगभग सभी लोग पढ़े हैं, है पढ़ी हो ना फोटोशॉप। फाइल में जाना है, ऑप्शन मिल जाएगा इम्पोर्ट का, ठीक है, कहाँ जाना है, फाइल में ओपन होने के बाद सीधा फाइल में, फाइल के बाद इम्पोर्ट, उसके बाद यहाँ पर इप्सन में। ये देखिए प्रिंटर का नाम लिखा हुआ है L565, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इधर लिखा हुआ है L565 पीछे प्रिंटर का नाम, बस इसी पे क्लिक करना है। WIA होना चाहिए, बस यहाँ भी लिखा है लेकिन यहाँ पे नहीं काम करेगा, मतलब वहाँ भी होगा लेकिन यहाँ सही रहता है थोड़ा सा। क्लिक कर देंगे, इस तरीके से आ जाएगा एक डैशबोर्ड, बस आपको कस्टम सेटिंग और स्कैन पे क्लिक कर देना है, कुछ नहीं करना है। कहाँ करना है, कस्टम सेटिंग और सीधा स्कैन। अब देखिए इसमें से डेटा जो जो भी हम फोटो रखें वो पूरा ट्रांसफर होकर हमारे कंप्यूटर में आ रहा है,